इंडिया में बीएड के स्टूडेंट्स और स्कूल टीचर्स के लिए, टीचर एजुकेटर के लिए शायद ये टर्म नहीं हो कि एनपीएसटी क्या है। एन फॉर नेशनल, इट मींस के सारे नेशन के लिए है, सारे नेशन के स्कूल टीचर्स के लिए है, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए है। और बेशक वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, सभी तरह के स्कूल के लिए है। नेशनल प्रोफेशनल, कौन सा प्रोफेशन? टीचिंग प्रोफेशन के लिए, सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन के लिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड शब्द हमारे लिए नया है, हमने एम्स ऑफ एजुकेशन, गोल्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पढ़े हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा ऊपर है। स्टैंडर्ड्स को सिंपली डिफाइन करना है आगे चल के, जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका आंसर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स आर कॉम्पिटेंसीज इन फोर एरिया। फोर एरियाज वो कौन से हैं वो आगे चल के बताता हूँ। तो ये कॉम्पिटेंसीज क्या काम करेगी टीचर्स के लिए, मान लीजिए ये टीचर है, टीचर के लिए ये एक गोल का काम करेगी कि इस टीचर ने इन कॉम्पिटेंसीज को अचीव करना है। एक, दो, तीन, चार, चारों एरियाज में तो अचीव करना है। तो अचीव किया है कि नहीं किया है, तो वही गोल जो होंगे, मीन वही कॉम्पिटेंसीज जो डिस्क्राइब की गई हैं, वो क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएशन का काम करेंगी। ठीक, तो जब किसी टीचर के ने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, प्रमोट होना है, ठीक है, एडवांसमेंट उसकी होनी है, इंक्रीमेंट लगनी है, तो वो पहले इवेल्युएशन उसकी होगी। इवेल्युएशन कैसे होगी कि ये टीचर जब जॉब में काम करेगा, किसी स्कूल में काम करेगा, तो वो इन क्राइटेरियाज को पहले समझेगा। दैट इज वाई ये वीडियो बना रहा हूं, अभी से समझना शुरू कर दीजिए। इनको समझ के इनके अनुसार एविडेंसेस कलेक्ट करेगा कि हाँ, मैंने ये काम किए हैं, ये नॉलेज मेरी इंप्रूव हुई है। नंबर एक, ये क्राइटेरियाज कौन से हैं? नॉलेज इंप्रूव हुई है, प्लस मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, प्लस मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई है, प्लस मेरे एथिक्स और वैल्यूज इंप्रूव हुए हैं, मेरा बिलीफ सिस्टम इंप्रूव हुआ है, और मेरी ऐसे सारा कुछ ये क्राइटेरियाज कॉम्पिटेंसीज बताएंगे। उनके एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, एविडेंस कलेक्ट करके उसका पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो बना के जो एनसीटी या स्टेट लेवल की एजेंसी जिसको एनसीटी ने एक्रेडिट किया हुआ है, तो वहां आपका वो पोर्टफोलियो सबमिट होगा, उसकी इवैल्यूएशन होगी। इसके अलावा इवैल्यूएशन और कैसे होगी? आपका फीडबैक सिस्टम होगा। फीडबैक सिस्टम में आप टीचर से, कुलीग से, हेड से, स्टूडेंट से, पेरेंट से फीडबैक कंटिन्यूसली लोगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड्स हुए कि वो फोर एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसीज जो एज ए गोल्स भी काम करेंगे और क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएशन भी काम करेंगे। तो जब अच्छा, ये अप्लाई किस पर होने हैं? एनपीएसटी, टी फॉर टीचर। टीचर कौन सा? स्कूल टीचर। स्कूल टीचर के आगे चार लेवल हैं, चार लेवल हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये देखा ही होगा। ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फोर लेवल्स। फोर लेवल्स कौन से हैं? फाउंडेशनल टीचर, अब ये टीचर की एक कैटेगरी होगी, प्रेपरेटरी टीचर, मिडल टीचर एंड सेकेंडरी टीचर, ठीक है। और इसके अलावा आपके लेवल्स भी होंगे। पीएसटी ने टीचर के फोर लेवल्स बताए हैं, कैरियर स्टेज 1, 2, 3, 4, और जब वो जॉब में एंटर नहीं किया हुआ वो एस्पिरेंट है, इट मींस वो अभी प्री, ये हो गया प्री सर्विस, और ये फोर हो गए इन सर्विस के। तो ये तो सारा टीचर एजुकेशन इसका स्कोप है, टीचर एजुकेशन प्री सर्विस लेवल्स, वो 1, 2, 3, 4 लेवल जो बात किए हैं हमने, फाउंडेशनल से सेकेंडरी टीचर तक, और इन सर्विस में ये जो फोर लेवल की अभी बात करके आया हूं। एनपीएसटी के डॉक्यूमेंट में, फर्स्ट ड्राफ्ट में जो अभी हमारे सामने पेश किया गया है, उसमें स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन किया गया है, मोस्ट डिजायरेबल टू अचीव इन टर्म ऑफ लर्निंग और प्रैक्टिसेस।
ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड का और मतलब क्या हो गया कि मोस्ट डिजायरेबल लर्निंग और मोस्ट डिजायरेबल प्रैक्टिस इन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, दिस इज लर्निंग आउटकम। जब टीचर, क्योंकि टीचर ने साथ साथ लर्न करना है अपनी नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को, एथिक्स को इम्प्रूव करना है, तो वो लर्निंग के बिना हो ही नहीं सकता। तो ये टीचिंग की लर्निंग आउटकम भी है। टीचर की लर्निंग आउटकम कैसे पता चलेगी कि लर्नर की लर्निंग आउटकम इंक्रीज हो रही है कि नहीं? तो अब ये एक लाइन में होगा, जितनी लर्नर की लर्निंग आउटकम इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह वो टीचर बन रहा है, इट मींस वो टीचर भी इम्प्रूव कर रहा है। तो ये डायमेंशंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ये बात हो चुकी है, जिसमें वैल्यूज, बिलीफ्स, नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट सब कुछ है शामिल, टूल ऑफ मेजरमेंट, ये बातें हो चुकी हैं सारी। तो एक एडिशनल बात है कि इट कवर्स लाइफ लॉन्ग कैरियर एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग, बीएड, डीएलएड, जो आपने प्री सर्विस टीचर करना है कोर्स, टीचर एजुकेशन लेनी है, टू क्वालिफाइड टू ए लीड टीचर। लीड टीचर क्या था कि वो जो फोर्थ लेवल था, यहां दिखा देता हूं आपको, ये लीड टीचर है, ठीक। ये यहां से चल के यहां तक कैसे पहुंचना है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से लेके ये फिफ्थ स्टेप या कैरियर फोर स्टेज लीड टीचर, द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचर है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, पीटेट, सीटेट, यूजीसी नेट में। तो लीड टीचर तक पहुंचने के लिए ये जो एक तरह की विकास है, एवोल्यूशन है, उसके लिए एनपीएसटी ने काम करना है, उसके लिए हमें क्राइटेरियाज देने हैं, उसके लिए हमें जो एक्सपेक्टेशंस देनी है कि हर टीचर से इस लेवल पर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, इस लेवल पर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, इस लेवल पर, इस लेवल पर। तो स्टैंडर्ड्स या नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि स्कूल टीचर्स के लिए प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से लेके लीड टीचर तक पहुंचने के लिए एक गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, सेट ऑफ जो कॉम्पिटेंसीज हैं। ये वो स्टैंडर्ड हैं जो चार पीछे बात करके आए हैं, स्टैंडर्ड, कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। नेचुरली इसके सब एरियाज भी हैं और वो सब एरियाज की आगे स्पेसिफिकेशन होगी, जिसके आधार पर आपकी इवेल्युएशन होगी और जिसको आपने सामने रखना है और अचीव करने की कोशिश करनी है। स्टैंडर्ड टू, प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये इफेक्टिव डोमेन पर आ गया, ठीक है। आपको एनपीएसटी का पूछा जा सकता है कि इसकी स्कोप क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो ये देखिए अफेक्टिव डोमेन इमोशनल डोमेन पर काम कर रहा है, ये कॉग्निटिव डोमेन पर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी आपने, स्टैंडर्ड थ्री, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटेंसीज, ये एक्शन पर, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये भी एक्शन, ठीक है। तो इवन ये सोशल डोमेन में भी काम कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं फोर जो एनपीएसटी ने अभी सुजेस्ट किए हैं। इन स्टैंडर्ड्स ने काम करना है, इनमें क्या है कि इसमें, इनमें आपकी एथिक्स, नॉलेज, प्रैक्टिस एंड जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आपकी बात होगी। स्टैंडर्ड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं। इनको समझने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है स्टैंडर्ड फोर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो हर स्टैंडर्ड की एक डोमेन है, मतलब उसका सब एरिया, फॉर एग्जांपल यहां पर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की आगे सब डोमेन है, सब कैटेगरी है लर्निंग नीड्स, लर्निंग नीड की आगे तीन चार और सब कैटेगरी
कैटेगरीज होगी, तो ये सब कैटेगरीज को भी आप सजेशन दे सकते हो कि फर्दर और स्पेसिफाई किया जाए। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लेवल का बिगनर टीचर है उसके लिए ये है, ये लेवल टू टीचर प्रोफिशिएंट टीचर के लिए है, एक्सपर्ट टीचर के लिए, लीड टीचर के लिए है, जो फोर लेवल्स यहां स्टेप्स पीछे करके आए हैं, देख के आए हैं। अच्छा तो ये है स्टैंडर्ड वन, क्या सीक एंड अप्लाई फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर एंड टीचर्स टू इंप्रूव टीचिंग प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, अभी ज्वाइन किया है स्कूल में, मेरे साथ एक सुपरवाइजर मुझे मेरे साथ अपॉइंट हो गया उसी स्कूल का, जिसने मेरे साथ क्लोजली वर्क करना है और साथ साथ में मुझे सुपरवाइज करना है। अब क्या ये क्राइटेरिया मुझे दे गया, क्या मैं उससे कंटिन्यूअस फीडबैक मांगता हूं, सर मैडम जो भी है, क्या मैंने आज गलती की, मैंने कौन सी गलती की, मैंने इंप्रूवमेंट क्या की, मैंने कल लेसन प्लान बनाना है उसको या कैसे अप्लाई करूं, अच्छा मैं मेरा वीक पॉइंट मेरे कौन से हैं, मेरे गुड पॉइंट कौन से, ये फीडबैक आप मांग रहे हो। जितनी फीडबैक ज्यादा मांग रहे हो सुपरवाइजर आपका उतनी ही इवैल्यूएशन आपकी अच्छे करेगा, क्योंकि जो फीडबैक ज्यादा मांगता है वो इंप्रूव होना भी चाहता है और हो भी रहा है, स्टैंडर्ड ये कह रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस, तो इस तरह से हर गोल को ऐसे ये सॉरी दिए गए हैं, आप इस पर साफ देख सकते हो। ये पूरा डॉक्यूमेंट फोर्थ स्टेज का है और फोर लेवल का है, और इतनी मतलब इस पर डिफरेंट वीडियो आपको बना दूंगा कि हर लेवल और हर टाइप के टीचर के लिए कौन से स्टैंड। एनपीएसटी को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंट लेवल 1, 2, 3, 4 लेवल जो अभी बात किए हैं उन पर डिफरेंट वीडियो होंगे, और इसके अलावा जो फोर एरियाज हैं, फोर एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं, जो एथिक्स एंड वैल्यूज है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उस पर भी डिफरेंट वीडियो निकालूंगा। इसके अलावा आपने जो फीडबैक देनी है, जो आपके स्पेशल टीचर की कैटेगरी है उसके इंटरेस्ट के वीडियो साथ साथ में आते जाएंगे, आपको इंटरव्यू या पीटेट सीटेट यूजीसी नेट किसी में भी ये लाभ दे सकते हैं, आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।